एससी एंटरटेनमेंट प्लस में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जानने के लिए एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन के साथ एजुकेशन भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और रेलवे से सीरीज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे का संचालन कैसे होता है, और साथ ही जानेंगे भारतीय रेलवे से जुड़ी एक रोचक बात जिसका पता आपको शायद ही होगा। तो भारतीय रेल के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए उसकी मदद करती है रेल मंत्रालय। रेल परिवहन के विकास और रख रखाव के लिए उनकी हेल्प के लिए नोडल प्राधिकरण होते हैं। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेल प्रणाली के कार्य प्रचालन की देखरेख करने में कार्यरत होती है। साथ ही उनके इन कार्यों और कार्य के विभिन्न पहलुओं को देखरेख करने के लिए अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित होते हैं, यानी इनकी सहायक कंपनियां होती है। हम इन सहायक कंपनियों के नाम आपको नीचे दिए देते हैं कि यह सहायक कंपनियां हमारे भारतीय रेल के कार्य संचालन में मदद करती है। तो साथ ही अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, जिसे RDSO के अतिरिक्त लखनऊ में अनुसंधान और विकास स्कंद, जिसे शॉर्ट में RND के नाम से जानते हैं, यह भी भारतीय रेल का हिस्सा है। यह तकनीकी मामलों में मंत्रालय के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह रेल विनिर्माण और डिजाइनों से संबंध अन्य संगठनों को भी परामर्श देने का कार्य करता है। यह रेल विनिर्माण के लिए भी केंद्र है, जिसे संक्षेप में CRIS, जिसकी स्थापना विभिन्न कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं का खाका तैयार करने के लिए और उनका क्रियान्वयन करने के लिए किया गया है। इनके साथ साथ 6 उत्पादन यूनिटें हैं, जो रोलिंग स्टॉक, पहिए, एक्सेल और रेल के अन्य सहायक संगठकों के विनिर्माण में रहते हैं, अर्थात चितरंजन लोको वर्क्स, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, डीजल इंजन का कारखाना, एकीकृत कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिए फैक्ट्री इत्यादि है। रेल विशेष में हम जानेंगे कि यात्रियों के जीवन में भारतीय रेल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे सबसे शानदार और अविस्मरणीय यात्रा भारतीय रेल से की जाने वाली यात्रा को माना जाता है, जिसके जरिए आराम से और आसानी तरीके से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, चाहे शहर हो, कस्बा हो, तटीय क्षेत्र हो आदि आदि। रेल यात्रा सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प भारत में और इससे बढ़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता है। देश में सबसे महत्वपूर्ण और किफायती तरीकों में से एक ये रेलवे की यात्रा है। अब बात करें कि तकरीबन 164 वर्ष पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय रेलवे ने अपनी पहली सेवाएं शुरू की थी। पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। बात करें वर्ष 1991 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया था, और आज की तारीख में यह एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक ही प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। साथ ही बात करें तो अक्सर ट्रेन में सफर करते समय हम देखते हैं कि इंजन पर एक यूनिक कोड लिखा होता है, उसमें अल्फाबेट के साथ एक नंबर भी लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, यह क्या दर्शाता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेन के इंजन के बारे में। ट्रेन के इंजन जो होते हैं उसके ऊपर में यह कोड लिखा हुआ होता है। तो ट्रेन पर बड़े अल्फाबेट के साथ नंबर भी लिखा होता है। इन अल्फाबेट और नंबर दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल दो तरह के इंजनों का इस्तेमाल करती है, एक
जो डीजल से चलते हैं और दूसरी जो बिजली से चलते हैं, यानी कि कुछ इंजन डीजल से चलते हैं और कुछ बिजली से चलती है। इन इंजनों के नंबर के जरिए इन्हें बांटा जा सकता है। इस प्रकार इंजन पर लिखे अक्षरों का भी अलग अलग मतलब होता है। अब पहले अक्षर के बारे में जानेंगे। तो भारतीय रेल में अगर आम भाषा में बात करें तो तीन तरह की लाइनें होती हैं, एक बड़ी लाइन, दूसरी छोटी लाइन और तीसरी सकरी लाइन। बड़ी लाइन जिसे रेलवे की भाषा में कहे तो ब्रॉड या वाइड गेज, जिसे संकेत में डब्लू से संकेत करते हैं। नंबर टू छोटी लाइन, जिसे रेलवे की भाषा में मीटर गेज या इसे संकेत में वाई से लिखते हैं। और तीसरी संकरी लाइन यानी नैरो गेज के लिए संकेत में इसे जेड से लिखते हैं। इसी तरह नैरो टॉय केस के लिए एम संकेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो नैरो लाइन है, प्रायः इसका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर देखा जा सकता है। तो जो सामान्य रूप से इस्तेमाल में आती है वह बड़ी लाइन होती है, जिसे ब्रॉड या वाइड गेज के नाम से जानते हैं, और इसे संकेत में डब्लू से संकेतित किया जाता है। इसीलिए इन इंजनों के पहला अक्षर डब्लू होता है, यानी कि गेज। यह गेज होता क्या है थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। तो रेल की जो लाइन होती है, पटरियां होती है, उनके बीच का जो फासला होता है, जो नीचे स्लिप, जो कनेक्टिंग स्लिप होता है, उसके बीच के डिस्टेंस को गेज कहते हैं। और वाइड गेज के अंदर में 1676 mm का फासला होता है, जिसे अगर फीट में कन्वर्ट करें तो यह 5 फीट 6 इंच का होता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं पटरिया सीमेंट के टुकड़े के ऊपर रखी हुई है, जिसे स्लीपर कहते हैं, और इन पत्थर के टुकड़े को जाम किया हुआ है स्टोन के टुकड़े से, जिसे बैलेस्ट कहते हैं। तो दो पटरियों के बीच, सीमेंट के टुकड़े के बीच में पत्थरों को क्यों रखा जाता है, हम किसी अन्य वीडियो में आपको इसके बारे में बताएं। अब बात करेंगे इसके दूसरे लेटर के बारे में। भारत में सभी इंजन प्रायः 1676 mm यानी वाइड गेज के ऊपर चलती है, इसलिए इसका पहला अक्षर W होता है। और जितने भी लोकोमोटिव इंजन है उन्हें पावर एसी ट्रैक्शन से मिलती है या तो डीजल से मिलती है। तो जिसे एसी ट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती है उसके लिए A डिनोट किया जाता है, और जिसे पावर डीजल से मिलती है उसके लिए D डिनोट किया जाता है। तो दोनों ही प्रकार के इंजन, चाहे वो वाइड गेज पर चलने वाला एसी इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, इनकी चार कैटेगरियाँ होती है। जैसे कि पैसेंजर इंजन को पी से डिनोट किया जाता है, और गुड्स इंजन को जी से डिनोट किया जाता है। मिक्स इंजन जो दोनों ही प्रकार के, जैसे कि पैसेंजर और गुड्स कोचेज को खींचने का कार्य करती है, उसे एम से संकेत किया जाता है यानी डिनोट किया जाता है। और बात करें आखिर में जो शंटिंग इंजन, जो किसी कोच को या मालगाड़ी के डब्बे को खाली करने के लिए या आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, उसे शंटिंग इंजन कहते हैं, और इसका सांकेतिक एस से डिनोट किया जाता है। दिए गए चित्र के पहले भाग में वाइड गेज के इलेक्ट्रिक चालित मालगाड़ी का इंजन है, जबकि दूसरे भाग में वाइड गेज के डीजल चालित मालगाड़ी और यात्री गाड़ी, जो दोनों को खींचती है, यानी कि मिक्स्ड इंजन का चित्र है। तो इस तरह उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऊपर कुछ चित्र आपके बुद्धि परीक्षण के लिए दिया है, जिसे आप इन इंजनों के यूनिक कोड को देखकर इन इंजनों के बारे में आप बताएं। अब बात करेंगे कि डीजल इंजन और इलेक्ट्रिसिटी इंजन पर लिखे वो चौथे और पांचवें अक्षर का क्या मतलब होता है। तो इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है, इंजन के कितने हॉर्स के पावर का है। सपोज दैट 2002 के रिवाइज नोटेशन के हिसाब से WDP, WDG और WDM सीरीज के लिए तीन नंबर
का इस्तेमाल किया जाता था। तीन नंबर का मतलब होता था कि 3000 से लेकर के 4000 हॉर्स पावर तक। उसके बाद इस सीरीज में जब डेवलप आया, इसके अगले जेनरेशन की इंजन आई, तो उसमें WDP या WDG या WM सीरीज में 5 आया। तो 5 का मतलब हो गया कि 5000 से लेकर के 6000 हॉर्स पावर तक। ये स्कीम वर्ष 2002 जून से सारे पैसेंजर माल और दोनों इंजनों पर लागू हो गई, परंतु इसमें अपवाद रखा गया WDM2 और WDP1 सीरीज को छोड़कर। बाकी सारे डीजल इंजन में पांचवा लेटर का अर्थ हॉर्स पावर में होता है, यानी कि अगर 1000 में 100 ऐड करना हो तो उसमें ए लिखेंगे। ए का मतलब 100 HP, बी का मतलब 200 HP, सी का मतलब 300 HP। तो जैसे अगर किसी इंजन में लिखा हुआ है WDM3A, तो WDM के बाद 3A लिखा है, इसका मतलब हो गया कि इसका हॉर्स पावर 3100 हॉर्स पावर हुआ। इसी तरह अगर लिखा हो WDM3C, तो इसका मतलब हो गया 3300 हॉर्स पावर। अब कई प्रकार के इंजन पर डिजिट्स और लेटर इंजन के सीरीज के बारे में बताते हैं, जैसे WDP4B, तो यह जो है वह सीरीज या जेनरेशन का बताते हैं कि WDP का यह चौथा जेनरेशन का आता है। तो भारतीय रेल इंजन में आज के लिए इतना ही। बाकी रेल इंजन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बात हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त मित्र सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।